कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 7025 हो गई। 135 अफराद जा बहक। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना के वार जारी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 497 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 7025 हो गई है। इनमें से जेरे इलाज मरीजों की तादाद 5125 है, जबकि 1765 मरीज सेहतयाब अब तक हो चुके हैं। आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 3276 और सिंध में 2008 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 993, बलूचिस्तान में 303, गिलगित बल्तिस्तान में 245, आजाद कश्मीर में 46, जबकि इस्लामाबाद में 154 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 5% बढ़ने पर पहली बार ट्रेडिंग मुअत्तल हो गई। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2% कमी और IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए 1,38,60,00,000 कर्ज की मंजूरी के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी रही, जिसके बाईस ट्रेडिंग मुअत्तल करनी पड़ी। शरह सूद में कमी के मस्बत असरात जल्द ही नजर आना शुरू हो गए और स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स में 1,544 पॉइंट्स का इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में 32,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई और हसस की मालियत में 220 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो गया। रमजान रिलीफ पैकेज के लिए 2.5 अरब मकतस 19 अशिया पर सब्सिडी यूटिलिटीज स्टोर पर आज से इतलाक होगा। वफाकी हुकूमत ने रमजान पैकेज के लिए 2.5 अरब मकतस करने का फैसला किया है और 19 अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी दी जाएगी। रमजान पैकेज में खजूर, चावल, बेसन, चाय और दालों समेत दीगर अहम अशिया की इर्जाए नरखों पर दस्तियाबी मुमकिन बनाई जाएगी, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान मुबारक के लिए अशिया के नए रेट्स का इतलाक आज होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन उमर हबीब खान लोधी ने कहा कि रमजान के बाद मजीद 200 यूटिलिटी स्टोर्स खोले जाएंगे। 2.5 अरब से रमजान रिलीफ पैकेज 17 अप्रैल से ईद तक जारी रहेगा। आवाम को 19 अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी दी जाएगी। ज़खीरा इंदौस को सजा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी। वफाकी काबीना ने ज़खीरा इंदौस के खिलाफ सख्त सजा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है, जिसके तहत तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राई आमदन नहीं पूछी जाएगी। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी मुराद दी जाएगी, जबकि सीमेंट और स्टील के अलावा बिल्डिंग मटेरियल पर विद होल्डिंग टैक्स भी लागू नहीं होगा। ऑर्डिनेंस के तहत कम लागत हाउसिंग मंसूबों पर 90% तक टैक्स की छूट होगी। कोरोना की वबा से सब्जियों की कीमतें 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। लॉकडाउन की वजह से सब्जियों के घरेलू और कमर्शियल तलब में गैर मामूली कमी का सामना है, जिसकी वजह से सब्सिडी में सब्जियों की फरोख 70% तक कम हो गई और सब्जियों की कीमत 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। ज़राए के मुताबिक सब्जी मंडी में अच्छी कीमत ना मिलने का तमाम नुकसान सब्जी के काश्तकारों को पहुंच रहा है, जो अब मंडी को सब्जी की सप्लाई के बजाय तैयार फसलों को खेतों में ही तल्फ करने पर मजबूर हो गए हैं। शेन वॉटसन ने रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया। आइंदा बरस PSL में भी मैच खेलेंगे। मारूफ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन ने रिटायरमेंट का फैसला वापस लेकर अगले साल PSL में शिरकत पर रजामंदी जाहिर कर दी। PSL 5 की दिफाई चैंपियन क्वेटा ग्लैडिएटर के ओनर नदीम उमर ने मीडिया से वीडियो लिंक गुफ्तगू में कहा कि मारूफ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन ने रिटायरमेंट का फैसला वापस लेकर अगले साल PSL में शिरकत पर रजामंदी जाहिर कर दी है। सिंध हुकूमत कहती है लॉकडाउन में दुकानें खोलने का कोई हुक्म नहीं दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि हज्जाम, धोबी, दर्जी, सैनिटरी, प्लम्बर, मैकेनिक और कारपेंटर्स की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने अपने वीडियो बयान के जरिए लॉकडाउन के दौरान अस्तस्ना और खुलने वाली दुकानों के हवाले से वजाहत करते हुए कहा है कि हज्जाम, धोबी, दर्जी, सैनिटरी, प्लम्बर, मैकेनिक और कारपेंटर्स की दुकानें खोलने की इजाजत देने का तासुर सरासर गलत है। इन दुकानों के खोलने का कोई हुक्म नहीं दिया गया और इन शॉप्स के खुलने का ना ही फिलहाल कोई फायदा है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशन गोई कर दी। महकमा मौसमियात ने एक बार फिर मुल्क भर में बारिशों की पेशन गोई की। जराए के मुताबिक महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में आइंदा
चंद घंटों में बारिशों की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक आज रात से पाकिस्तान में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने का इम्कान है। हवाओं का ये सिलसिला कल मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा और ये सिलसिला पीर तक बलाई इलाकों में मौजूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के नतीजे में जुम्मा हफ्ता और पीर के रोज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी दौरान बाज मकामात पर ज़ालाबारी भी हो सकती है। IMF ने पाकिस्तान के लिए नए कर्जे की मंजूरी का ऐलामिया जारी कर दिया, जिसके मुताबिक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1,38,60,00,000 कर्ज की मंजूरी दे दी है। वाज़ह रहे कि कर्जा कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए मंजूर किया गया है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के लिए कर्जा रिबेट फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI के तहत मंजूर किया गया। कोरोना से होने वाले माशी नुकसान के बाइस पाकिस्तान की अदायगियों के तवाज़ुन की जरूरत पूरी करने के लिए यह कर्जा फराहम किया गया है। तहम पाकिस्तान के लिए यह कर्जा कोटे का 50% है। एहसास प्रोग्राम में खवातीन के साथ मर्दों को भी रकूम की तकसीम शुरू कर दी गई। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के दूसरे मरहले में खवातीन के साथ मर्दों को भी इमदादी रकूम की तकसीम का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर के मुताबिक एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के दूसरे मरहले में मुस्तहिक मर्दों को रकूम की फराहमी शुरू कर दी गई है। इन अफराद की अक्सरियत दिहाड़ी दार तबके की है। डॉक्टर सानिया निश्तर के मुताबिक एहसास कैश प्रोग्राम के तहत 7 रोज से जारी अमल के दौरान 36,82,000 खानदानों में 44,19,40,00,000 रुपए तकसीम किए जा चुके हैं और इमदादी रकूम की तकसीम का अमल रवां माह के आखिर तक जारी रहेगा, जबकि प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए SMS सर्विस 19 अप्रैल तक जारी रहेगी।